की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा से भाजपा के ओम बिरला की जीत हुई है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां कोटा में भाजपा के ओम बिरला की जीत हुई है, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे वहां से। और ये मुकाबला दरअसल बीजेपी वर्सेस बीजेपी आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रहलाद गुंजल जिस तरीके से चुनावी मैदान में थे, वो बीजेपी के ही कैंडिडेट हुआ करते थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला, नाराजगी बढ़ी। कांग्रेस ने हाथों हाथ लपका, राहुल कस्वा उनके लिए काम कर गए, लेकिन प्रहलाद गुंजल काम नहीं कर पाए और ओम बिरला की हैट्रिक लगी है। कोटा बूंदी से ओम बिरला को जीत मिली और इसके पीछे ओम बिरला की सोशल इंजीनियरिंग और जिस तरीके से वो कोटा और बूंदी पर नजर रखते थे, व्यक्तिगत तौर पर नजर रखते थे, और उनके लिए कहा जाता था कि भाई जब भी वो वहां आते थे जनता हमारे थे, उन्होंने एकदम जो है निल स्तर पर जो है वो काम है, तो खैर इसके बारे में अब क्या ही कहना, पर अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। मंडी से नई सांसद कहिया कंगना रनौत, हालांकि उन्होंने ये कहा था कि अगर वो सांसद बन गई तो वो बॉलीवुड को अलविदा कह देंगी और जनता की सेवा करेंगी। अब देखते हैं कि क्या वाकई में वो बॉलीवुड को अलविदा कह के जनता की सेवा करती हैं, या फिर जनता की सेवा से सांसद बनने के साथ वो बॉलीवुड की अगली फिल्मों के अंदर भी नजर आएंगी। और जुड़ जाती है कि जब स्मृति ईरानी हार के लगभग करीब है, तो दूसरी तरफ कंगना रनौत की एंट्री हो रही है, तो जो फिल्म लाइन या फिर कहें कि छोटे पर्दे बड़े पर्दे या इस मीडिया लाइन, जो मीडिया फिल्मों से जुड़ा हुआ है, मनोरंजन मीडिया जो है, उस लाइन से अब कंगना रनौत की एंट्री हो रही है। अच्छा पंकज जी, एक सीट का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि